नमस्कार एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबों को क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताने जा रहा हूँ। क्लास 10th का छात्र, आप मेरे चैनल से जल्द जुड़ें, साथ ही साथ और दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में। मैं रेगुलर आप लोगों के बीच वीडियो लाता रहूंगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से आप बताएंगे और दूसरे के पास मेरे वीडियो को शेयर करेंगे। मैं रेगुलर आप लोगों के बीच ला रहा हूँ। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन का अर्थ होता है कि दूसरे के स्थान पर कोई आ जाना, उसको प्रतिस्थापित करना। जैसे यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस बी है, तो इसमें वाई का मान एक्स के संदर्भ में लाएंगे, यानी वाई को एक्स के रूप में लिख देंगे, समझे ना। उसके बाद इसका हल करेंगे। प्रतिस्थापित का मतलब होता है दूसरे को हटा करके खुद आ जाना। तो अब यहां देखिएगा, सबसे पहले x प्लस वाई बराबर ए प्लस बी है, और ए एक्स माइनस बी वाई बराबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। तो x प्लस वाई बराबर ए प्लस बी, इसको समीकरण नंबर एक मान लिए और इसको समीकरण नंबर दो मान लिए। अब देखिए, समीकरण एक क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस बी है ना। एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, ए प्लस बी। तो इसलिए वाई बराबर ए प्लस बी, अब ये प्लस एक्स है, उस पक्ष की ओर चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस एक्स। तो वाई को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स, प्रतिस्थापित कर दिए एक्स को, यानी इधर था तो हम उसको उधर कर दिए। वाई का मान क्या हो गया, ए प्लस बी माइनस एक्स। अब समीकरण दो में y का मान रख देंगे। समीकरण दो मेरे पास ये है, समीकरण दो में y का मान रखने पर ध्यान देंगे। तो समीकरण दो मेरे पास क्या है, देखिए a x माइनस b y बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब यहां पर देखा जाए, ए एक्स माइनस क्या है, बी वाई, तो बी इंटू वाई है, तो वाई का मान मेरे पास क्या प्राप्त हुआ है, देखिए ए प्लस बी माइनस एक्स। वाई का देखिए यहां पर क्या मान है, ए प्लस बी माइनस एक्स है, यहां बी वाई था तो वाई की जगह पर ये मान हम रख दिए। बराबर क्या है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पे देखा जाए, ए एक्स माइनस ए गुना बी माइनस ए बी हो गया। अब देखिए, प्लस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस बी गुना बी क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। फिर देखिए, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। अब देखिए, बी गुना एक्स क्या हो गया, बी एक्स हो गया। बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से समझ लीजिए, ए एक्स पहले से था, बी गुना ए बी हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस बी गुना बी स्क्वायर हो गया। फिर देखिए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस बी गुना एक्स बी एक्स हो गया। अब देखा जाए, ए एक्स और प्लस बी एक्स एक साथ रख दी, ए एक्स प्लस बी एक्स एक साथ, क्योंकि एक्स और एक्स एक साथ है। अब देखिए, ये बराबर में इधर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये माइनस ए बी है, उस पक्ष की ओर चला जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ए बी। अब देखिए, माइनस ए बी था, उधर चला गया क्या हो गया, प्लस ए बी। ये माइनस बी स्क्वायर है, उस पक्ष की ओर चला जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक ना। अब देखिए, ए एक्स प्लस बी एक्स इधर लिख दिया, अब बाकी इसको और इसको उस पक्ष की ओर ले गए। तो ये देखिए, प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहां पे देखिए, एक्स कॉमन आ रही है, एक्स कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, ए प्लस बी, क्या हो गया, ए प्लस बी। बराबर क्या बच गया, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी बच गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब देखिए, एक्स इंटू ए प्लस बी बराबर, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी है तो ए कॉमन आ रही है, तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। क्यों, क्योंकि ए गुना ए स्क्वायर हो गया, और ए गुना बी तो ए बी हो गया। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये एक्स पर ये ए प्लस बी इधर भाग लग जाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे टू एक्स इक्वल टू फोर रहता है तो क्या लिखते हैं, एक्स बराबर चार बटे दो, यानी ये दो भाग लग जाता है कि नहीं, तो ठीक उसी प्रकार ये ए प्लस बी उधर भाग लग जाएगा। तो यहां पे देखा जाए स्टूडेंट, तो एक्स इज इक्वल टू ए इंटू
ए प्लस बी बटे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी और ए प्लस बी कट गया तो एक्स बराबर क्या हो गया ए, तो एक्स का आंसर हो गया ए। अब देखिए वाई का भी मान निकालना है तो पुनः पुनः वाई बराबर देखिए क्या है, ए प्लस बी माइनस एक्स, वाई बराबर ए प्लस बी माइनस एक्स है, यानी वाई का मान क्या है ए प्लस बी माइनस एक्स, तो वाई बराबर ए प्लस बी माइनस एक्स, तो एक्स का मान क्या है माइनस ए, देखिए माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो गया तो वाई बराबर क्या हो गया बी, अतः अतः एक्स बराबर क्या हो गया ए और वाई बराबर बी। आप तो समझ ही गए होंगे बहुत ही इजी तरीके से। अब देखिए मैं इसी प्रतिस्थापन विधि पे मैं दूसरा सवाल बता रहा हूं और आप लोग घर में बुक से तैयारी करते रहेंगे, बनाते रहेंगे प्रतिस्थापन विधि और मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर कौन सा प्रश्न बताना है, कोई लिख करके भेजेंगे तो प्रतिस्थापन विधि का मैं उसको बताऊंगा आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या है प्रतिस्थापन विधि से, ये भी सवाल मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है तीन और फोर एक्स माइनस थ्री वाई बराबर क्या है छब्बीस, ये हो गया समीकरण नंबर एक और ये हो गया समीकरण नंबर दो। तो सबसे पहले समीकरण एक प्रतिस्थापन विधि का है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समीकरण एक से एक्स प्लस वाई बराबर क्या है तीन, है ना, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है तीन, तो इसलिए वाई बराबर तीन माइनस एक्स, ये प्लस एक्स है उधर हो गया तीन माइनस एक्स, प्रतिस्थापित कर दिए। तो अब देखिए y का जो मान आया उस समीकरण दो में रखेंगे, समीकरण दो में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो वीडियो कमेंट के माध्यम से बताएंगे कैसा लगा। देखिए समीकरण दो क्या है, 4x माइनस 3y इक्वल टू 26 बराबर क्या है 26। अब देखिए 4x समीकरण दो माइनस 3 इंटू वाई है तो y का मान क्या है, देखिए 3 माइनस एक्स बराबर क्या है 26। अब यहां देखा जाए 4x माइनस 3 गुना 3 क्या हो गया 9, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 गुना एक्स 3x बराबर क्या हो गया 26। अब यहां पे देखिए 4x और प्लस 3x ये एक जात है इसलिए जुड़ जाएगा, 4 और 3 क्या हो गया 7x बराबर 26, ये माइनस 9 है उस पक्ष की ओर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। तो अब देखा जाए 7x बराबर 26 और 9 क्या हो गया 35, 26 9 क्या हो गया 35, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 35 बटे 7, ये 7 जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 7 पचे 35 तो x का मान क्या हो गया 5, x बराबर क्या हो गया 5। अब देखिए अब y का मान निकालना है तो पुनः y बराबर क्या है 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, तो y बराबर 3 माइनस एक्स है, x का मान कितना है 5, तो देखा जाए तो y का मान हो गया 3 में से 5 घटेगा क्या हो गया माइनस 2, अतः x बराबर हो गया 5 और y बराबर हो गया माइनस 2। यहाँ पे जो x और y का मान जो आया यदि हम इसमें बिठाएंगे तो उतना आ सकता है कि नहीं देखना है, जैसे यहाँ x का मान क्या है 5 तो 5 बिठा दिए, y का मान क्या है माइनस 2 तो माइनस 2 बिठाएंगे, प्लस माइनस में 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा कि नहीं, तो मेरा आंसर सही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, पुनः मैं आप सबों के बीच इससे रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा।